Hey everyone, this is Thoughtpot Arts and आज मैं बताने वाली हूँ कैसे आप अपने डिजिटल illustrations में ट्रेडिशनल लुक ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम ट्रेडिशनल मीडियम्स की बात करें तो उसमें एक टेक्सचर होता है, मेसीनेस होती है, एक इम्बैलेंस होता है, एक नेचुरल फील और लुक होती है। लेकिन अगर हम डिजिटल की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है यस कंट्रोल जेड, जिसको कितना भी यूज कर लो कम है। चलो एक छोटा सा कंपैरिजन व्यू लेते हैं। जैसे हमने पहले लिया कैनवस, टेक्सचर, तो चलो अब लेते हैं पेंसिल। So, कुछ भी कहो, फील वो तो ट्रेडिशनल आर्टवर्क की ही होती है, राइट? चलो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहला स्टेप है स्केच, एंड इस वीडियो के लिए मैं बहुत ही सिंपल कैरेक्टर बनाने वाली हूँ। एंड उसको स्केच करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ एक बेसिक ब्रश। और हाँ, ब्रश ऐसे यूज करना जैसे आप पेंसिल यूज कर रहे हैं, एंड कोशिश करना कंट्रोल जेड जितना कम यूज हो सके उतना ही कम यूज करो। तो स्केच हो गया है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो चलो अब इस स्केच को फाइनलाइज करते हैं। तो हम जाएंगे न्यू लेयर पे। न्यू लेयर में हम ये ब्रश लेंगे, लेकिन इसमें हम जो स्मूथनेस अप्लाई की है इसको हटा देंगे एंड इसको रिफाइन कर लेंगे। ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाना, बेसिक शेप और बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कैरेक्टर डिफाइन होना चाहिए। First I scrap, then I stack. Mm-hmm. Only thing changes the location on the map. Clothes all black, cars all black. Mm-hmm. Game on tap, game intact. Mm-hmm. First I scrap, then I stack. Mm-hmm. Only thing changes the location on the map. Watch this plane the less factory. Now let's color. अब कलरिंग के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये पेंसिल ब्रश। ये ब्रश मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया। आपको बहुत आसानी से बहुत तरीके के पेंसिल कलर ब्रश, पेंसिल ब्रश मिल जाएंगे, तो उनको यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली जब हम ट्रेडिशनली कलर करते हैं, हम पेंसिल के साइज़ को नहीं बढ़ा सकते, तो वही मेथड हम इसमें यूज़ करेंगे। हम बहुत ही छोटा साइज़ रखेंगे ताकि हम पेंसिल कलर्स की तरह इस पर कलर कर सकें, अप डाउन अप डाउन। अलर्ट, डोंट ट्राई टू कवर एवरी एरिया कि ये डिजिटल है तो मुझे पूरा कवर करना है। सोचो कि आप एक ट्रेडिशनल आर्टवर्क बना रहे हो एंड जो एरियाज और जो पैचेस रह रहे हो उनको रहने दो। तो जैसे बाकी स्टेप्स मैं करती हूँ, स्टेप्स हम वही फॉलो करेंगे। पहले हम करेंगे अपने बेस कलर्स।
और अब शेडो ऐड करने के लिए हम यूज़ करेंगे मास्किंग। मास्किंग के लिए हम नई लेयर लेंगे, उसको मास्क करेंगे एंड देन सेम कलर लेके उसको मल्टीप्लाई मोड में डाल देंगे एंड देन हम कलर करेंगे। तो ये हो गया हमारा लुक, लेकिन अभी बोनस टिप बाकी है। अब अगर आप अपने आर्टवर्क में टेक्सचर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन अवेलेबल ग्रंच या टेक्सचर्ड पेपर, और उसमें कलर मोड चेंज करके उनको सेट कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा जैसे कैनवसी या पेपर वाली लुक है वो आ जाए। नहीं तो आप अपने ही आर्टवर्क को डुप्लीकेट कर सकते हो, उसको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके उसमें नॉइज़ ऐड करके देन कलर मोड चेंज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये प्रोसेस कि कैसे आप अपने डिजिटल आर्टवर्क में भी ट्रेडिशनल फील ला सकते हैं? अगर आपको ये प्रोसेस, ये स्टेप्स अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।